अनूपपुर जिले के कोतमा में युवा कांग्रेस ने हाथरस की घटना के विरोध में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। वहीं मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाने के लिए और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रदर्शन किया गया और वर्तमान सरकार की नीतियों का इस प्रदर्शन में खुलकर विरोध किया गया। वहीं देश में हो रहे यौन अपराधों के विरुद्ध मुहिम छेड़ी गई। कोतमा की हृदय स्थली गांधी चौक में आक्रोशित युवाओं ने योगी आदित्यनाथ का पुतले का दहन भी किया। आपको भी पता है, हमें भी पता है, कोतमा को पता है, बल्कि पूरे देश को पता है और बल्कि पूरे विश्व को पता है। यूपी के हाथरस में जो घटना हुई सर्वदा निंदनीय है। इतनी भयानक घटना विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। वह मोदी जी के कार्यकाल में केवल भारत में और योगी जी के कार्यकाल में केवल उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई, हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ दुराचार हुआ। दुराचार होने के बाद एक हफ्ते तक उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, उसके लिए जांच कमेटी बैठा दी गई। जांच कमेटी के बाद भी उसका इलाज इतने घायल तरीके से, उसको इतने दर्दनाक तरीके से, उसके साथ निर्मम उसकी हत्या कर दी गई थी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी, उसकी जुबान काट दी गई थी। लेकिन इस सरकार को तब भी होश नहीं आई। यह सरकार मोदी और योगी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन दरिंदों के साथ है। उन दरिंदों को बचाने के लिए एक हफ्ते तक उस मामले की जांच नहीं हुई, उस मामले का रिपोर्ट नहीं आया। वहां की उत्तर प्रदेश की सरकार जांच के नाम पर उन मुजरिमों को बचाने के लिए लगातार उनको प्रोटेक्शन दे रही है। अंततः इतनी पीड़ा, इतनी भवाया स्थिति के बाद उस बच्ची की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद इस सरकार की दरिंदगी की इंतहा तब हो जाती है जब यह सरकार उसके मृत शरीर को उनके परिजनों को न दे करके बल्कि रातों रात एक कूड़ेदान की तरह चला देती है। उसके विरोध में आज हम युवा कांग्रेस के लोग गांधी चौक में योगी आदित्यनाथ, हम उसको ढोंगी आदित्यनाथ कहते हैं, उसका पुतला जला करके हमने विरोध प्रदर्शन किया है और यह मांग किया है कि बहन मनीषा वाल्मीकि को न्याय मिले और ऐसी जितनी भी बहनें हैं जिन लोगों के साथ दुराचार हुआ, जिनकी हत्याएं हुई, उन सबको न्याय मिले। और मैं साफ तौर पर मोदी जी को कह देना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ को कह देना चाहता हूं, इस तरीके की घटना को युवा कांग्रेस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। हम हर लड़ाई को इस तरीके से मजबूती से लड़ेंगे। भारतीय युवा कांग्रेस पूरे देश में मनीषा वाल्मीकि की लड़ाई लड़ रही है, उसी तर्ज पर मैं भी आज गांधी चौक कोतमा में यह प्रदर्शन करके यह संदेश देना चाह रहा हूं कि हम अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और मनीषा और उनके साथ बहुत सारी ऐसी बहनें जिनके साथ दुराचार हुआ है, उनको न्याय मिलना चाहिए। योगी मोदी। कैनन न्यूज के लिए कोतमा से आरसी मिश्रा की रिपोर्ट।